अस्सलाम वालेकुम, हेरिज मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं सदर खान टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम टैक्स रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। ये आज हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर, आउटलाइन, जिसमें टॉपिक है हमारा आउटलाइन। आउटलाइन के जो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं जिसको हम मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट क्या है, सदर खान टीवी। जी फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाला टूल लेते हैं, यहाँ पे F4 प्रेस करते हैं। F4 प्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेंगल लेते हैं और इसको मिड में कर लेते हैं ताकि हमारा जो कंटेंट है वो प्रोमिनेंट हो सके। यहाँ पर हम इसको नीचे ले आते हैं और इसको जो है सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, चेंज केस में आके अपर केस कर लेते हैं। अपर केस जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे इसका फॉन्ट वगैरह भी हम चेंज कर लेते हैं ताकि इसको प्रोमिनेंट तरीके से हम देख सकें। यहाँ पे इसका फॉन्ट भी चेंज कर लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। जी ये आपके पास रहेगा और उसके बाद अब हम देखते हैं मुख्तलिफ तरीके से आउटलाइन कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आउटलाइन पे क्लिक करना है। एक तो हमारे पास है तरीकाकार, ये जो ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ है, यहाँ पर भी आप करके कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन जो आपको कौन सा यानी कि मेथड अच्छा लगता है, आप उस तरीके से आप आउटलाइन जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ की आउटलाइन जो है यहाँ पे आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप इसकी विड्थ वगैरह बढ़ाते हैं, विड्थ लगा सकते हैं और उसके बाद ये पॉइंट्स, पिक्सल्स या आप कोई भी यानी कि आप जहाँ पर लगाना चाहें फिट के हिसाब से तो वो आप लगा सकते हैं। तो इंचज में अगर लगाना चाहें तो इंचज में भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ये आप स्मूथ करने के लिए मैंने ये चीज़ बताई थी, ये वाली मिड वाली आपने सेलेक्ट करनी है क्योंकि ये स्मूथ है। ये पे आप देख सकते हैं कॉर्नर टाइप है और ये भी बड़ी रफली सी है, तो ये जो है स्मूथ है। इसके बाद बिहाइंड फील यानी कि उसके साथ साथ भी हमें चाहिए स्केल विद इमेज, ये आपने करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहें तो ये आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ अगर आप चेंज करेंगे तो फिर इसमें आपकी जो आउटलाइन है वो उसमें फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो आपने इसको इसी तरह रखना है। ये देखिए आपकी जो आउटलाइन है ऐसे करके रफली हो रही है, यानी कि क्योंकि आपने इसकी आउटलाइन जो है वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं की, बाद में हमने छेड़ ले ली थी, पंगा ले लिया था। तो आप अगर इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे रखते हैं और ओके करते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं ये इसकी आउटलाइन जो है। अगर इसको कम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसकी आउटलाइन कम भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 0.5 कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अभी भी आउटलाइन ज़्यादा है, इसको और मज़ीद कम करना चाहते हैं तो और कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 2। ये देखें इसकी आउटलाइन जो है आपकी लग गई है। इसके बाद आप मज़ीद कुछ आउटलाइन देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास ये आउटलाइन है, अब इसमें कुछ कलर सिलेक्शन हम अपने मर्ज़ी से करना चाहते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी आउटलाइन लगाना चाह रही हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम रोटेट करके कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज करके कर सकते हैं, या फिर हम इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं। तो हमें कुछ मखसूस कलर चाहिए तो फिर ओबियसली हमें इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आके हम ओके कर देते हैं। तो अब ये देख सकते हैं आपकी आउटलाइन जो है वो चेंज हो चुकी है। इसके बाद अगर आप इस आउटलाइन को क्या करना चाहते हैं यानी कि ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, आपके सामने है। उसके बाद अगर मज़ीद आप लगाना चाहते हैं तो शॉर्ट सी लग जाएगी। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी आउटलाइन माइनर सी करना चाहते हैं या फिर इससे ज़्यादा करना चाह रही हैं मैक्सिमम, और उसके बाद आप इससे भी ज़्यादा करना चाह रही हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर इससे भी ज़्यादा चाह रही हैं तो, और लास्ट वन में अगर आप करना चाह रही हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखें आउटलाइन का ये तरीकाकार है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आप रेक्टेंगल पे भी लगा सकते हैं, आप इस पर भी लगा सकते हैं, आपके कंटेंट पे भी यानी कि किसी पे भी आप लगाना चाहें तो ये आउटलाइन आप लगा सकते हैं। ये देखिए मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके पास रेक्टेंगल पे हो गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि आउटलाइन हम कैसे लगा सकते हैं और उसका क्या मकसद होता है। खूबसूरत बनाने के लिए हम आउटलाइन लगाते हैं ताकि हमारे वर्ड जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से प्रोमिनेंट हो। लेकिन एक चीज़ जहाँ पे मैं क्लियर करता जाऊँ कि आपने इस आउटलाइन लगाते हुए कलर कुरेक्शन का ज़रूर ख्याल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि आपका जो इन साइड ये बैकग्राउंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैकग्राउंड वाला जो कलर है ये अगर लाइट है तो आपकी आउटलाइन जो है वो डार्क होगी, और उसके साथ आपका ये भी कम्बिनेशन होना चाहिए जो अंदर इसके वर्ड है यानी कि जो कंटेंट है हमारा उस कंटेंट का भी कलर
सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपका कलर कंटेंट का कलर लाइट है तो आपको प्रोमिनेंट होना चाहिए। अब ये देखें, ये जो है वाइट है और उसके बाद हमने बैकग्राउंड जो आउटलाइन दी है वो डार्क दी है, उसके बाद जो हमारे पास कंटेंट है जैसे सदरखान टीवी लिखा हुआ है तो ये भी ऑब्वियसली लाइट है और ये हमें प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो इस तरह आपने मस्ट इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप अगर बैकग्राउंड डार्क ले रही हैं तो आपका जो कंटेंट का कलर होगा वो लाइट होगा, और अगर आप बैकग्राउंड लाइट ले रहे हैं तो ऊपर जो कंटेंट होगा उसको आपने डार्क करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका वो सेट हो सके, कलर करेक्शन वगैरह हर चीज़ों के हो सके और आपका जो डिज़ाइन है वो प्रोमिनेंट नज़र आ सके, यानी कि दूर तक नज़र आ जाए। और इसमें मज़ीद कुछ क्रिटिकल चीज़ें हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम बता दिया करूँगा ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। जी तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।